I don't feel like looking back in memories as the best ones I am creating now. I don't feel like I am missing anything as the best things I am having now. I don't want to ponder about my future as I am building for it now. I don't need anything special in this world as I am living with my special one now. I don't have anyone to remember as I am living with my dream now. I don't have anything to acquire as I am already in your arms now. Life, you were never this beautiful as you are now. Hi friends! बहुत दिनों बाद मैंने कोई पोएम लिखा तो होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा. और अभी है मॉर्निंग, बट मॉर्निंग 9:30 होने को है. मैं सुबह से उठ तो गई थी, बट वही थोड़ा सा पहले डिश वॉशर लगाया, खुद फ्रेश हुई और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने. तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा हेलो बोल दूँ. और मौसम का हाल ये है कि कल यहाँ पे थोड़ा सा वेदर अच्छा था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वादी साइक्लोन. बट आज फिर से थोड़ा सा गर्मी है, मतलब एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज ठीक है, बट फिर भी गर्मी तो है. तो एक प्रॉब्लम ये हो गया कि जनरली मेरा ट्यूसडे रहता है पोछा डे, बट क्योंकि कल संडे को काफ़ी हवा वगैरह चली तो घर में बहुत ज़्यादा धूल हो गया है. तो नाउ इट्स एन एडेड वर्क फॉर मी टुडे कि आज अगर हो सके तो स्वीपिंग एंड मॉपिंग करना पड़ेगा. और सुबह सुबह काम ये रहता है कि सबसे पहले उठ के डिश वॉशर को ऑन करूं. तो वही मेरा डिश वॉशर भी ऑन होके ख़त्म होने का, उसका साइकिल 50 मिनट साइकिल लगाती हूँ, वो भी ख़त्म होने को है. और मेरा मिल्क बॉयलर अभी आवाज़ दे रहा है, तो चलिए पहले मिल्क बॉयलर को बंद करती हूँ. एंड आई शुड से कि जब से मैंने ये मिल्क बॉयलर लिया है इट्स अ बून फॉर मी, क्योंकि खड़े नहीं रहना पड़ता दूध को, कहते हैं ना पहरेदारी करने. तो ये मिल्क बॉयलर होने को है, बंद कर दूं. और ये डिश वॉशर में भी 9 मिनट्स बाकी है खत्म होने में. तो मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग डिश वॉशर. तो एक मैं आपको जरूर बात बोल दूं जो कि मैंने अपने डिश वॉशर वाले वीडियो में नहीं बताया था. और अगर आपने मेरा वो डिश वॉशर वाला वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट. सिर्फ आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हो डिश वॉशर, या फिर मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन प्लेलिस्ट है वहां से आप देख सकते हो मेरा डिश वॉशर को, मैंने डिटेल्ड रिव्यू दिया था. तो मुझे कल ही एक क्वेश्चन आया था कि बार बार F5 शो करता है, IFB वाला जो इनका मॉडल है वो पूछ रहे थे. तो क्या है ना कि सपोज कर ऐसे कि किचन में ये वाला नल है मेरा ये, तो जब तक ये तो जब तक मेरा डिश वॉशर चल रहा है तब तक मैं ये नल स्टार्ट नहीं करती हूँ. इससे क्या होता है कि इसके नीचे ही दूसरा वाला नल है जहाँ से डिश वॉशर के लिए वाटर इनलेट जाता है. टू स्टार्ट एनी अदर टैप नियर बाय टू इट, तो क्या होता है ना कि वाटर फ्लो में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इस वजह से यू स्टार्ट गेटिंग एन एरर एज F5. तो कल बना था मसाला डोसा और उसका बैटर मैंने बना के रखा था काफी सारा. जब बनाते तो काफी सारा बन जाता, 2-3 दिन के लिए हो ही जाता है. तो फर्स्ट डे वी हैव मसाला डोसा, सेकेंड डे मैं बनाती हूँ उत्तपम, और अगर फिर भी बच जाए तो फिर थर्ड डे थोड़ा सा सूजी मिला के उसको इतना बना लेती हूँ कि फिर से कुछ चीला टाइप बन जाए. तो एटलीस्ट 3 डेज तो मेरा चलता है अगर मैं डोसा बैटर बनाती हूँ. तो इसलिए आज बनेगा नाश्ते में उत्तपम और कुछ सिंपल सा वेजिटेरियन लंच. एक्चुअली 10-12 दिन हो गए मुझे ना नॉनवेज खाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा गर्मी है कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि नॉनवेज आप खाओ. तो एनी वेज बहुत सिंपल लंच डिनर ही अच्छा लग रहा है. तो देखूं आज क्या है. एक्चुअली लास्ट मंडे को जब मैं बाजार गई थी तो काफी सारे वेजेस ले आए थे, तो मैं हाफ तो मैं रख दी थी फ्रिज में और बाकी हाफ को मैं वॉश करके कट करके फ्रीजर में रख दिया था. इस तरह से अगर आप फ्रीजर में वॉश करके कट करके वेजीज रखो तो काफी दिन तक चलता है, 10-15 डेज तो आराम से. तो वही आज करूंगी, तो देखते हैं आज क्या बनेगा. तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉर्निंग के रूटीन से. तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट.
अभी थोड़ा सा बैठ गई हूँ पानी पीने, क्योंकि काफी सारा काम बाकी है और जब बहुत ज्यादा काम हो ना तो थोड़ा सा लगता है कि किस तरह से अपने को पेप अप करो। तो मैं हमेशा पानी पीना भूल जाती हूँ, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव। तो जब भी याद रहता तो मैं खूब सारा पी लेती हूँ। तो ये एक पटियाला ग्लास है, हम लोग बिग बाजार से लाए थे और इसमें 500 ml तक पानी आ जाता है एक बार में। तो मैं वही याद रख के जब भी याद आता तो आई जस्ट फिनिश एन एंटायर ग्लास, तो जिससे कि आई एम ओके डन फॉर 1 आवर एटलीस्ट। ये है मसूर की दाल और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें मैं सिर्फ डाल रही हूँ ये ग्रीन चिलीज को तोड़ के। और ऐड करूंगी पानी, और सिंपल नमक और हल्दी पाउडर, बट हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा फीका फीका कलर होगा इसका, और सॉल्ट। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon कच्चा मस्टर्ड ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स करके और बस इसको 2 whistles तक कुक कर लूंगी। बन जाएगा वेरी सिंपल एंड फास्ट कुक दाल। अभी बनाऊंगी भिंडी, बट ये भिंडी को मैंने धो के काट के फ्रीजर में रखा था, तो ये है वो भिंडी ऑल फ्रोजन और इनको मैंने ऐसे लंबा लंबा काटा हुआ था। तो इसको मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा मेरे पास ऐसे ग्रेटेड कोकोनट है उसके साथ। तो ये भी सिंपल ही बनेगा, सिर्फ नमक हल्दी और लाल मिर्च ऐड करूंगी और ये कोकोनट। बट हमेशा ये याद रखना पड़ता है when you are using veggies from your freezer, तो हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि इनको डिफ्रॉस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट फ्रीजर से एकदम निकाल के कढ़ाई में डालो, अदरवाइज इनका जो टेक्सचर है या और शेप है वो खराब हो जाता है और विल्ट कर जाता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इफ यू डायरेक्टली यूज इट फ्रॉम द फ्रीजर टू योर पैन तो बहुत ही एकदम फ्रेश टेस्ट भी रहता है और क्रंची भी रहेगा। तो बस अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी और सिंपल वही नमक हल्दी लाल मिर्च, और बाद में इसको और बस हल्का सा फ्राई करना है कवर करके, और जब ये होने लगे तब अनकवर और 2-3 मिनट तक फ्राई करना, तो बहुत ही अच्छा से तेल भी छोड़ने लगेगा और अच्छा भी लगता खाने में।
तो ये है आज का हमारा सिंपल लंच।